हेलो, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन बबल टैरो। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सुष्मिता और ये है आपका चैनल डिवाइन बबल टैरो। हमने अपना एक नया हैंडल बना लिया है, आप उसको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। वो है @TarotDivineB। आप फॉलो करिए और हमारी लेटेस्ट सभी वीडियोस, मंथली हॉरोस्कोप, ईयरली हॉरोस्कोप, पेका कार्ड रीडिंग्स और सभी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं इस चैनल पर। चलिए कैंसर, आपकी हम रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपका नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले करना है सब्सक्राइब, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस मिल सकें और कुछ भी वीडियो आप स्किप ना करें। इस वीडियो को आप यूज़ करके अपने मंथ का एक प्लान बना सकते हैं कि आपको कैसे करना है। अगर अपॉर्चुनिटी है तो अपॉर्चुनिटी का कैसे बेस्ट यूज़ करना है, अगर कोई दिक्कत है तो आपको उस दिक्कत से कैसे निपटना है, इस वीडियो का आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो हमारे डिफरेंट पार्ट्स में बटी है, हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअलिटी वाले मैसेजेस इस वीडियो में आपको मिलेंगे। डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प वीडियो के आपको नीचे ही मिल जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कैंसर, देखते हैं सबसे पहले आपका महीना नवंबर का ऑल टुगेदर कैसा जाने वाला है। जजमेंट कैंसर, जजमेंट एंड ओवरऑल एनर्जी। नेक्स्ट है आपका करियर में प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, रिलेशनशिप में किंग एम्परर और हेल्थ में प्रिंसेस ऑफ कप्स। ओके, शुरुआत करते हैं जनरल मैसेज। जजमेंट का कार्ड मुझे बताता है कि काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे हैं जिनका एंडिंग होके नई शुरुआत हो रही है। आपके आसपास के लोग बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं कैसे जो सिचुएशन एकदम ख़त्म हो चुकी थी, काफ़ी टफ चीज़ में आप जा चुके थे विद द जजमेंट, अब कैसे उससे उभर रहे हैं। इट्स लाइक कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाना और एक रिवाइवल, लाइक अ फीनिक्स, दोबारा से आपकी लाइफ में कलर्स आ रहे हैं। जो ब्लैक एंड वाइट हो चुकी थी, अब दोबारा से उसमें कलर्स आ रहे हैं। अगर रिलेशनशिप या करियर में कोई भी दिक्कत थी, अब आपको एक फ्रेश चांस मिल रहा है वहाँ पे टू मूव एंड टू करेक्ट ऑल दोज प्रॉब्लम्स। काफ़ी अच्छी एनर्जी है टू बिगिन विद जनरली, हाँ, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि लोग देख रहे हैं बहुत अच्छे से। बट लोगों की परवाह, अगर हम सभी लोगों की परवाह करने लग गए तो बस जी लिए जीवन। ये ध्यान रखिएगा कि ज्यादा इंफॉर्मेशन आप नहीं बता रहे हैं, बिकॉज पीपल आर लुकिंग एट यू। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं करियर में। करियर में है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि काफ़ी कम्युनिकेशन है। आपका अगर खुद का बिजनेस है तो आप काफ़ी लोगों से नेटवर्किंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं अबाउट बिजनेस, अबाउट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन और वैसा कम्युनिकेशन मुझे काफ़ी दिखता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो शायद आपके कोई एग्ज़ाम्स हैं, कोई रिटन एग्ज़ाम है, कुछ समथिंग रिटन पेपर वर्क आप वो कर रहे हैं। एंड आई डू सी काफ़ी कंपटीशन है इसमें एंड टफ है, लोग आपको बहुत बहुत माइन्यूटली आपको चेक करेंगे, तो उस हिसाब से आप रहिए। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है, फेलियर या सक्सेस के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, बिकॉज दैट विल डिपेंड ऑन इंडिविजुअल एनर्जी। हाँ, लेकिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इस चीज़ की। अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के फादर, उनका रोल थोड़ा हैवी रहेगा इस महीने में शायद आपकी लाइफ में। इनके साथ अगर आपका कोई कम्युनिकेशन होता है तो आई विल सजेस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, अपने वर्ड्स को बहुत रिस्पेक्टफुल रखिएगा, क्योंकि इनका ईगो स्पेशली हाई हो सकता है। या अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर थोड़ा एक्स्ट्रा बॉसी नवंबर के महीने में रह सकते हैं, ऐसे करो ऐसे ना करो, ये चीज़ें ऐसी हैं, तो थोड़ा सा नवंबर के महीने में थोड़ा सा चीज़ों को इग्नोर ज़रूर करना पड़ेगा आपको। रिलेशनशिप में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लॉयल हैं, केयरिंग हैं, रिसोर्सफुल हैं आपके पार्टनर, बस थोड़ा सा इस महीने में मुझे इनके डोमिनेटिंग एनर्जी थोड़ी हाई लगती है। ओके, अगर हेल्थ की बात करें तो प्रिंसेस ऑफ कप्स थोड़े से कैजुअल हो गए शायद। अक्टूबर के महीने में आपने काफ़ी इन्जॉयमेंट करी है, मुझे लगता है बहुत मौज मस्ती वाला महीना रहा होगा, पूरा फेस्टिवल्स का महीना था। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए अपनी हेल्थ को लेके। जितना आपने इंजॉय किया, अब आपको उतना ही एक्सरसाइज करके बॉडी को स्टेबल स्टेट में लाना है, बर्न दोज कैलोरीज आउट, है ना।
और अपना फूड जो आपका रेजीम है वापस उसको रिगेन कर लीजिए अब और नहीं करिए। प्लीज़ प्लीज़ बी केयरफुल विद योर हेल्थ स्पेशली योर ईटिंग हैबिट्स। एंजेलिक मैसेजेस हम देख लेते हैं आपके लिए क्या है। एंजेलिक मैसेज ये कहता है एक्टिवेटेड अर्थ, ठीक है, इसका मतलब है पावर प्लेसेस ले लाइंस ट्रस्ट वेयर यू आर लेड। आपने अटेम्प्ट कर दिया, आपने चीज़ों को सॉल्व कर दिया, आपने अपनी तरफ से एक बेस्ट इनपुट दे चुके हैं आप, तो अब आपको उसके आगे नहीं सोचना है। बिल्कुल ये समझिए, देखिए जजमेंट का कार्ड इज़ द डिवाइन एनर्जी का कार्ड, यानी ये यूनिवर्सल एनर्जी है। आपके हाथ में चीज़ें काफ़ी कम हैं, ऑलराइट, एंड जो चीज़ें जैसी होते चली जा रही हैं लेट इट हैपन। कार्ड देखिए आप कितना ही खूबसूरत कार्ड है ये वाला। दिस इज़ समथिंग, मतलब एक स्टार्स जैसे खुद ही धरती पे उतर के आ गए हों। अर्थ और स्टार्स का मिलन है, पहाड़ों की सीनरी है और वहाँ पे स्टार्स हैं। तो इसी तरीके का कुछ है कि आपको डिवाइन जो है जिस पाथ पर लेके जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आपको मोड़ रहे हैं, वो उनकी चूज़ की हुई डायरेक्शन है आपके लिए। वो हमेशा आपके लिए बेस्ट प्लान ही बनाएंगे, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं आपके दिल में कोई सवाल है अबाउट दिस करियर सिचुएशन जिससे आप अभी गुजर रहे हैं, तो आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। उसके बाद आफ्टर यू बुक अ रीडिंग आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। बाय।